दोस्तों, आप सुनने वाले हैं एक अनोखी कहानी, लेकिन सच्ची कहानी, हैरी हुडनी द मास्टर मैजिशियन की कहानी, जो कि अपने समय का सबसे बड़ा की स्मिथ था, जो किसी भी दरवाजे का ताला खोल सकता था। एक बार हुडनी ने दावा किया कि वह डाउन साउथ जेल को तोड़कर बाहर आ सकता है, जो कि उस समय का सबसे सुरक्षित जेल था, जिसको खोलना नामुमकिन था। अब उसको यह करके दिखाना था। उसे जेल के अंदर ले जाया गया। जेल के अंदर जाने से पहले वादा किया कि वह एक घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएगा। जब लोगों ने इस बात को सुना कि डाउन साउथ जेल से एक घंटे के अंदर बाहर आ सकता है, उस दिन लाखों लोगों ने जेल के बाहर उसका यह कारनामा देखने के लिए जमा हुए। तब पूरे आत्मविश्वास के साथ हुडनी ने जेल के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद जेल के दरवाजे को बंद कर दिया गया। हुडनी अपना काम शुरू करता उससे पहले उसने अपने कोट को निकाला, फिर काफ़ी रहस्यमय तरीके से अपने बेल्ट को निकाला। उसने अपने बेल्ट में 10 इंच बड़ा स्टील का एक रॉड छिपा रखा था, जो काफ़ी मजबूत और फ्लेक्सिबल था, जिससे अपना काम शुरू किया। आधे घंटे के अंदर हुडनी जिस आत्मविश्वास के साथ यह कहकर जेल के अंदर गया था कि वह एक घंटे में बाहर आ जाएगा, अब वह धीरे धीरे कम होने लगा। फिर एक घंटे बाद वह पूरे पसीने से लथपथ हो गया। जब 2 घंटे बाद उससे जेल का दरवाज़ा नहीं खुला, तो हुडनी निराश होकर और खुद से हार कर जेल के दरवाजे पर गिर पड़ा, और उसके दरवाजे पर गिरने से दरवाज़ा खुद से खुल गया, क्योंकि दरवाज़ा को लॉक किया ही नहीं गया था। यह हुडनी के लिए काफ़ी शौक की बात थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लॉक खोलने वाला मास्टर जादूगर यानी कि मास्टर मैजिशियन खुद को खुले जेल में बंद कर लिया। मीन्स दिस स्टोरी प्रूव्स द माइंड इज मोस्ट पावरफुल देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। हुडनी खुद के साथ साथ अपने दिमाग को भी उस खुले जेल में कैद कर लिया था, जिससे वह 10 इंच स्टील के रॉड से खोलने की कोशिश कर रहा था। So friends, sometimes some problems have simple solution, but with overthinking we make it complicated. So what you have to do, just open your mind and work through it. Thank you. Have a great positive day.